अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। तिन को स्वरूप जान राग ते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन हिते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज हमारे को यहाँ मैं कौन हूँ इसके संदर्भ में चर्चा करनी है। बड़ा अजीब सा प्रश्न दिखता है, कौन हूँ मैं। कल तक हमने चर्चा की थी मिथ्यात्व के बारे में, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में कल तक हमने चर्चा की है। और यदि उसी भाषा में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव को इस बात की खबर नहीं होती कि मैं कौन हूँ। जिसके जीवन में, जिसकी लाइफ में मिथ्यात्व हावी होता है वो अपने आप के स्वरूप को पहचानता नहीं है और भ्रम से ही किसी गलत चीज़ को, गलत परिस्थिति को या गलत फहमी में अपने आप का उसे भ्रम हो जाता है। ग्रहित मिथ्यात्व जो होता है वो और अधिक उस बात को पुष्ट करता है। यहाँ एक बहुत सुंदर पैराग्राफ यहाँ पिछले पाठ की तरफ दिया है, नीचे उधर कोटेशन में, कोटेशन में क्या दिया है, हे भव्यों मैं कौन हूँ वाला पाठ है ना, इसके बगल में दिया है कोटेशन एक, हे भव्यों किंचित मात्र लोभ से वह भय से कुदेवादिक का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। जिस धर्म में, जिन धर्म में यह तो आमनाए हैं कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, ये तो आमनाए हैं जैन धर्म में। इसलिए इस मिथ्यात्व को देखिए कैसे शब्द दे रहे हैं, इस मिथ्यात्व को सप्तव्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबोना चाहते वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। हम कर चुके थे इस तरह की चर्चा कि सप्तव्यसन से भी बड़ा पाप जानकर इस मिथ्यात्व को पहले छोड़ने की प्रेरणा हमारे यहाँ जैन शासन में दी गई है। जैन शासन में आमनाई यही है, पहले बड़ा पाप छोड़ो फिर छोटा पाप छोड़ो। और बड़ा पाप क्या है, अपने आप को नहीं पहचानना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। मैं कौन हूँ यदि अपने आप को नहीं पहचान रहा हूँ तो इससे बढ़कर कोई पाप हो नहीं सकता है। आप पहचानो तो सही कि मैं कौन हूँ, तो पकड़ में नहीं आती हमारे को। अरे साहब आप कैसा प्रश्न कर रहे हो, अजीब प्रश्न है आपका, मैं कौन हूँ ये भी कोई प्रश्न है क्या, हम इतना भी नहीं जानते मैं कौन हूँ, दिख तो रहा हूँ सामने। और जिसको आप इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हो, आखिर दम क्या है इस बात को जानने में, मैं कौन हूँ, ठीक है मैं हूँ तो हूँ, मैं हूँ ना, और ज़रूरत क्या है मैं के बारे में इतना प्रश्न उठाने की ज़रूरत क्या है। तो भाई हम एक बात कहना चाहते हैं, शास्त्रों में, भक्ति स्तुतियों में आपने अनेक बार ऐसी पंक्तियाँ पढ़ी होगी जिनमें यह बात कही गई है कि मैं अपने आप को भूलकर दुखी हूँ, मैं भ्रम्यों अपनपो विसरी आप अपनाए विधि फल पुण्य पाप। स्तुति में पढ़ी थी अपन ने यह बात, मैं भ्रम्यों, मैं चतुर्गति में भ्रमता रहा क्यों, अपनपो विसरी अपने आप को भूलकर, चारों गतियों में परिभ्रमण का कारण अपने आप को भूलना है। दौलत राम जी ने छेड़ाला प्रारंभ करते हुए यह बात कही थी, भूल आपको
भरमतवादी, अपने आप को भूलकर। ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को भूल जाए? वो मूर्खों की कहानियां तो हमने बचपन में कई बार सुनी होगी। 10 लोग थे, नदी पार करके सामने पहुंचे, सुनिए ना अर्जुन, 10 थे नदी पार करके सामने पहुंचे, और पहुंच करके उन्होंने कहा हम 10 थे गिन तो ले लें। तो एक ने गिनना चालू किया और सबको गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौ ही है, एक कौन रह गया? बोले तू गिन देखे। तो दूसरे ने गिना, तो उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 ही है हम तो। सब लोग जो गिनते हैं मूर्ख लोग थे क्या, और वो वहाँ बैठ करके रोने लगे क्या, मातम छा गया कि हम तो वहाँ से नदी के उस तरफ से जब निकले थे तो हम 10 लोग थे, और यहाँ आए हैं तो हम तो 9 ही रह गए, अब क्या करें? बताओ दुख का कारण क्या है? कोई व्यक्ति डूब गया था ना नदी में, साध्य नहीं डूबा था, क्या हो गया था? खुद को नहीं गिन रहे थे, अपने आप को भूल गए थे। माने वो जो 10 थे उन 10 में से 9 तो गिन रहे हैं, लेकिन मैं को भूल गए। और जो मैं को भूल गया, जो अपने आप को भूल गया, उसे दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। चतुर्गति के दुखों का वर्णन भी जो दौलत राम जी ने किया, उसमें एक ही मूल कारण कहा, अपने आप को नहीं पहचाना। अब बात तो यहाँ बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर शब्दों में उठाई है, ये पाठ बहुत बड़ा नहीं है, चर्चा आगे हो जाएगी पूरी, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहेंगे हम। मैं शब्द का प्रयोग हम प्रतिदिन कई बार करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कहा था, मैं ये काम करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं दिन भर में कितनी बार निकलता है, पर गहराई से कभी यह सोचने का यत्न नहीं करते कि मैं का वास्तविक अर्थ क्या है, मैं का असली वाच्यार्थ क्या है, मैं शब्द किस वस्तु का वाचक है। वाच्यार्थ समझते हैं आप, मां शब्द बोलने पर वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? मैं तो एक शब्द है ना, लेकिन उसी शब्द से कौन पकड़ में आ रहा है? जैसे हमने कोई भी शब्द दिया, हमने कहा आर्यजन, तो आर्यजन कहते इस पूरी बड़ी सभा में किसकी तरफ इशारा हो रहा है? आर्यजन की तरफ। ये शब्द है ना, हमने कहा महात्मा गांधी, तो ये महात्मा गांधी शब्द किसका वाच्यार्थ है? नेहरू जी का। महात्मा गांधी किसका वाच्यार्थ है? इंदिरा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी का। हाथ में लकड़ी है, चश्मा चढ़ा है, इधर अंगोछा टका है, हैं गर्दन कमर झुकी हुई है, ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं ना आपको? तो जो शब्द बोला जा रहा है उस शब्द का वाच्य क्या है? जब हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तो मैं का वाच्य क्या होता है, ये पकड़ में आता है या नहीं? सामान्य तरीके से सोचकर आप कह सकते हैं, इसमें गहराई से सोचने की क्या बात है? क्या हम इतना भी नहीं समझते कि मैं कौन हूँ? और आप उत्तर भी दे सकते हैं, मैं बालक हूँ या जवान हूँ? कौन है सात्विक? मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, ऐसे जवाब दिए जा सकते हैं ना? मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ? मैं पंडित हूँ या सेठ हूँ? पर मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या आप इनके अलावा और कुछ नहीं हैं? ये सब तो बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय मात्र है। बालक हूँ, सेठ हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, ऐसे प्रयोग तो करते ही है ना हम लोग? अरे हाँ, मैं तो जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, क्या माने? ऐसे ऐसे वचन निकलते हैं ना बहुत सारे, मैं तो मैं कौन? ये शरीर वाला, धन के संयोग वाला, सेठ हूँ, पंडित हूँ, क्या यही मैं हूँ? बहुत गहराई से, शांत चित्त से एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके गहराई से विचार करने योग्य बातों की चर्चा चल रही है यहाँ पर। हंसी खेल में उड़ा देने जैसी बात नहीं है, ये बातें वो नहीं है जो अब तक के अध्यायों में हमने पढ़ी है,
बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3, वितरण विज्ञान पाठमाला 1, 2 और भाग 3 के 4 पाठ तक जो हम बातें पढ़ चुके हैं, ये बात उससे कुछ अलग हटके है। अब तक जो बातें पढ़ी थी उनमें याद करने की मुख्यता थी और यहाँ इस पाठ में याद करने जैसा कुछ नहीं है। हम यहाँ याद करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो चिंतन की बात है, यहाँ तो विचार की बात है, यहाँ तो कभी गहराई से बैठ करके सोचो तो सही, आखिर मैं कौन हूँ? जवाब क्या आता है अंदर से, क्या रिप्लाई आएगा? मैं कौन हूँ यह बात कहने पर क्या रिप्लाई आता है अंदर से? मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, क्या जवाब आ रहा है अंदर से? यही जवाब आ रहे हैं, मैं बहुत कमज़ोर हो गया, मैं तो बहुत वीक हो गया पहले से, मैं कितना काला पड़ गया, उधर साउथ इंडिया में जाकर के आया तो चेहरा ही काला पड़ गया, तो मैं काला हो गया? ठीक है, मैं पंडित हूँ, मैं सेठ हूँ, कितने तरह के जवाब सामने वाले व्यक्तियों को या जगत के जीवों को या हम आप जैसे लोगों को जब बिना विचार किए हुए सामान्य बुद्धि से देखते हैं तो हमारे को यही लगता है यही तो मैं हूँ। और ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जवाब भी आते हैं। मेरा कहना है कि यदि आप बालक हैं, ध्यान देना, शांति से बैठ करके आँख बंद करके विचार करने जैसी चीज़ें हैं भाई, यदि आप बालक हैं, यदि मैं बालक हूँ तो बालकपन तो एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, पर आप तो फिर भी रहेंगे, हम तो फिर भी रहेंगे, अतः आप बालक नहीं हो सकते। इसी प्रकार जवान भी नहीं हो सकते, क्योंकि बालकपन और जवानी यह तो शरीर के धर्म है। बालकपना शरीर में है, युवा अवस्था शरीर में है, तथा मैं शब्द शरीर का वाचक नहीं है। मुझे विश्वास है आप भी अपने को शरीर नहीं मानते होंगे, शरीर तो नहीं हो सकते ना, बालक वृद्ध जवान तो नहीं हो सकते ना, हम कैसे कहें मैं बालक हूँ, ये बात कैसे कही जा सकती है, क्योंकि बालकपन तो छूट गया। आज आप कह रहे हैं युवा हैं, लेकिन आपकी जो जवानी अवस्था है यह जवानी अवस्था आज के 20 साल पहले तो नहीं थी क्या? मतलब ये अजय गोधा जवान है, बालक हैं कि वृद्ध हैं, ये कैसे कहें, ये कैसे कहें हम? यदि ये जवान है तो 20 साल पहले भी नाम तो यही था लेकिन जवान नहीं थे, 30 साल पहले मान लो, और 20 साल बाद नाम तो यही रहेगा, शरीर भी यही रहेगा, लेकिन युवा अवस्था नहीं रहेगी। देखिए, अच्छा और आगे बढ़कर के बात करो, ऐसे ही इसी प्रकार ये तो शारीरिक अवस्थाओं की बात की गई, विचारने वाली बातें भाई। आप सेठ तो धन के संयोग से हैं, अरे साहब मैं तो सेठ हूँ, मैं तो सेठ हूँ, ऐसे ऐसे कौन रुचि करता है? अपन तो दुनिया भी आपको सेठ जी कहती है क्या, नौकर चाकर भी आपको सेठ जी कह करके पुकारते हैं और स्वयं भी अपने आप को सेठ समझता है, पर भाई धन तो निकल जाने वाला है, तो क्या जब धन नहीं रहेगा तब आप भी नहीं रहेंगे? तथा पंडिताई, मैं पंडित हूँ, पंडिताई तो शास्त्र ज्ञान का नाम है, तो क्या जब आपको शास्त्र ज्ञान नहीं था तब आप नहीं थे? यदि थे तो मालूम होता है कि आप धन और पंडिताई से भी पृथक हैं, अर्थात आप सेठ और पंडित भी नहीं हैं। मैं तो मूर्ख हूँ, लोग ऐसे भी जवाब देते हैं, कभी कहते हैं मैं तो मूर्ख हूँ, अरे तो तुम मूर्ख हमेशा ही बना रहेगा क्या? क्या और कभी कहता है मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, अलग अलग तरह के वाक्य बोलता है, कभी कहता है मैं बहुत मूर्ख, मैं तो पागल हूँ। जब जब कभी थोड़ा सा इसका सरक जाता है ना दिमाग, तो अपने आप को पागल कहने लगता है, अपने आप के लिए मैं ही पागल हूँ क्या,
जो तुम्हारे पीछे पड़ा रहता हूँ, मैं ही पागल हूँ जो कहता रहता हूँ, हम ही पागल हैं बेटा जो तुम्हारे को टोकते रहते हैं, कभी कभी कैसे कैसी बात करता है, हम तो पागल हैं हम तो। अरे भाई थोड़ी देर बाद में कहोगे, मैं तो समझता हूँ, 5-10 मिनट बाद में ही दूसरा वाक्य निकलता है, मैं सब समझता हूँ, कि तो तुम पागल हो कि समझते हो, कुछ ठिकाना नहीं है। टोडरमल जी साहब ने ऐसी बात कही, कुछ ठिकाना नहीं है, पागलों जैसे बातें बनाता है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, कभी माता को पत्नी कहता है कभी पत्नी को माता कहता है, शराब के नशे में शराबी व्यक्ति जिस तरह ऐसी बात करता है। पूज्यपाद आचार्य ने कही सर्वार सिद्धि में, सद सतोर विशेषाद्य दृष्टोपलब्धे उन्मत्तवत, उन्मत्तवत इस सूत्र की व्याख्या में ऐसी बात कही है, पागल जैसे कभी कहता है मैं मर जाऊंगा, कभी कहता है वो मर गए तो मैं मर गया, कभी कहते हैं नाम अमर रहेगा तो मैं जिंदा ही हूँ, कभी अपने आप को मरणशील मानता है, कभी कहता है चला जाऊंगा, कभी कहता है मरना सबको एक दिन, कभी कहते हैं काम कुछ ऐसा करके जाओ कि हम अमर रहे, तो हम अमर रहेंगे, न अमरता को समझता है न मरण को समझता है, शरीर आदि के संयोग से बाह्य संयोगों से अपने आप को इस तरह का समझ लेता है। प्रश्न तो ये चल रहा है आखिर मैं हूँ कौन, आखिर मैं कौन हूँ बोलो। तब प्रश्न उठता है कि आखिर मैं हूँ कौन। यदि एक बार ये प्रश्न हृदय की गहराई से उठे और उसके समाधान की सच्ची जिज्ञासा जगे तो इसका उत्तर मिलना दुर्लभ नहीं है, ये कठिन नहीं है काम। मैं कौन हूँ इसको पहचान लेना इतना कठिन काम नहीं है। यदि हृदय की सच्ची गहराई से ये प्रश्न उठेगा तो इस प्रश्न का जवाब प्राप्त करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा, लेकिन प्रश्न उठना चाहिए सच्चे हृदय से, हृदय की गहराई से। हो गया भूल गया, अच्छा मैं को पहचानना सरल है कि कठिन है? सरल है, सरल है या कठिन है? देखो यहाँ इन्होंने कैसे शब्द दिए, इसका उत्तर मिलना दुर्लभ नहीं है, मैं कौन हूँ इसे पहचानना कठिन काम नहीं है, लेकिन सरल भी नहीं है। ये कह रहे इसका उत्तर मिलना दुर्लभ नहीं है तो सरल है क्या? यदि ज्यादा ही सरल होता तो अब तक तो उत्तर मिल चुका होता, लेकिन सोचा ही नहीं। इन्होंने एक शर्त लगा दी, सच्ची जिज्ञासा जगे तो दुर्लभ नहीं है, और सच्ची जिज्ञासा नहीं जगे तो अनादि काल से मिथ्यात्व सहित परिभ्रमण करता आ रहा है, पहचान नहीं पा रहा है अपने आप को, अनादि काल से भटक रहा है, अपने आप की खबर नहीं है, अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो, अपनी सुध भूल करके स्वयं ही दुख उठा रहा है, कौन करे कौन क्या करे बतलाओ मेरे को, स्वयं ही तो दुखी है। प्रभु जी अब तक भटके हैं संसार में क्योंकि अपनी खबर हमें थी ही नहीं, और प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में क्यों? क्योंकि अपनी खबर हमें, अपनी खबर हो गई तो संसार में नहीं भटकेंगे, और यदि अपनी खबर नहीं है तो संसार परिभ्रमण मिटेगा नहीं। पेन था और काम करते करते यहाँ लगा लिया, ये लगाया कान पे, आप ढूंढ रहे हैं कितनी देर में मिलेगा भैया साध्य, कितनी देर में मिलेगा बेटा, कितनी देर में मिलेगा, 2 मिनट में, और ढूंढ रहे हैं हम तो सब जगह, कहीं नहीं मिल रहा है हमारे, यहीं तो रखा था है? कहीं भी नहीं, अभी कहाँ गया था मैं, बाथरूम में गया था क्या अभी, वहाँ जाकर के देख आया कहीं नहीं मिल रहा है, किचन में भी गया था पानी पीने के लिए, किचन में जाकर के देख आया अरे पेन ही नहीं मिल रहा है, कहाँ चला गया पता नहीं यार, ये क्या हो गया, ये तो कोई भूत आ गया क्या, कौन ले गया पेन, कब मिलेगा भैया, 5 मिनट में कि 15 मिनट में, क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है,
कुछ नहीं कहा जा सकता है। ध्यान आ जाए, मिल जाए तो एक सेकंड में मिल जाए, और नहीं मिले तो घंटों निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी चश्मा होता है ना, ये ऐसे लगा लेते हैं ऐसे ऊपर, और ऊपर लगा लिया और फिर ढूंढ रहे हैं उसको, चश्मा कहाँ रखा था यार, अब तेरे माथे पे लग रहा है। मिलना आसान है कि मिलना कठिन है? न तो इसे आसान कहने बन रहा है, न कठिन कहते बन रहा है। एक व्यक्ति डायमंड की अंगूठी बना करके लाया, ओ सुंदर, उसमें थी लिपटी हुई कागज के, उसमें क्या कहते हैं उसे, पुड़िया में डायमंड की अंगूठी, कोई 5 लाख का डायमंड होगा उसमें, बहुत कीमती बना करके लाया। बोले यार इसको तिजोरी में ले जा करके रख देता हूँ। घर से चलता हुआ आया, आकर के और उसने तिजोरी खोली, उसके अंदर का लॉकर खोला, सब खोला, और इतनी देर में फ़ोन बजा, कुछ ज़रूरी काम था, और इतनी देर में उसने क्या किया, अरे बाद में रखेंगे, फटाफट उंगली में पहनी और तिजोरी के लॉक लगा करके। अब वापस आकर के तिजोरी में देखता है तो मिलेगी कि नहीं? अभी आधे घंटे पौन घंटे पहले तो रख करके गया हूँ मैं, अब क्या होगा? वो भाई साहब मैं का भी यही चक्कर है क्या? कहाँ तलाश रहे हैं आप? पंडिताई में तलाश रहे हैं, शास्त्रों में तलाश रहे हैं, धन के संयोग से दिखाई देने वाली सेठ अवस्था में तलाश रहे हैं, न बालकपन में, न युवापन में, न वृद्धावस्था में, न स्त्रीपन में, न पुरुषपन में, कहाँ कहाँ तलाश रहे हैं कि मैं कौन हूँ? और इन सब में खो गया है अपना स्वरूप, आखिर मैं हूँ कौन? ये तड़प जगनी चाहिए। एक बहुत सुंदर वाक्य जो इन्होंने कह दिया है, इसका समाधान की सच्ची जिज्ञासा जगे तो उत्तर मिलना दुर्लभ नहीं है। ये इतना सुंदर वाक्य है, मेरा तो मन अटक गया इस वाक्य पर। क्या रीझ जाते हैं ऐसी पंक्तियां पढ़ते हैं तो, कितने सुंदर पंक्ति के, सच्ची जिज्ञासा जगे। क्या होता है ये सच्ची जिज्ञासा? ये सच्ची जिज्ञासा का मतलब जानते हैं आप? आपके चित्त में प्रश्न ही नहीं उठता, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको ऐसा विकल्प ही नहीं आता है, हम कभी सोचते ही नहीं है, बतलाओ मैं कौन हूँ, ये प्रश्न अपने दिलो दिमाग में आज के पहले कब उठा था, मैं कौन हूँ? सोचते ही नहीं है हम। भाई साहब ये परिस्थितियाँ तो कभी कभी लगती है, ऐसे पागल व्यक्ति से पूछो, ऐसे व्यक्ति से पूछो जिस व्यक्ति के सर पर चोट लग जाने पर याददाश्त चली गई है। बोलो उस व्यक्ति से जरा आप बात करो, उस व्यक्ति की तड़पन देखो, उस व्यक्ति के परिणाम देखो, उसकी परिस्थिति देखो। कई बार टीवी की स्क्रीन पर ऐसी बातें दिखती होंगी आपको, आपको अंदाजा लगाने के लिए कह रहा हूँ मैं। रोड पर चलते चलते यदि एकदम ऊपर से कोई पत्थर गिर जाए, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सर पर पत्थर गिरा और तुरंत याददाश्त चली गई और अनजान जगह पर थे और अकेले थे, अब हमारी जेब के अंदर लाइसेंस नहीं है और आईडी कार्ड नहीं है, अब मैं हूँ कौन बताओ? अब ये पास में लोगों से पूछता है मैं कौन हूँ? भाई साहब आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहने वाला हूँ, मेरे घर का पता कोई कोई बता सकता है कोई? उसको चैन मिलती है उस व्यक्ति को, वो चैन से सो सकता है? जब तक उसे इस बात का पता नहीं लग जाए तब तक वो चैन से नहीं रह सकता। और हम लोग यदि चैन से बैठे हैं तो इसका मतलब हमारी स्थिति तो पागल से भी गई हुई थी, ना समझ व्यक्ति से भी गई हुई थी दशाएं हमारी। सच्ची लगन, ऐसी तड़प होनी चाहिए। देखो पर यह मैं पर की खोज में स्वयं को भूल रहा हूं, आगे वाले पेज पर, आगे वाले पेज पर ऊपर से चौथी लाइन क्या कह रहे हैं देखिए आप, चौथी लाइन में कैसी विचित्र बात है कि खोजने वाला खोजने वाले को ही भूल रहा है। क्या कह रहे हैं? मैं जिसे ढूंढ रहा हूं मैं मेरे को भूल गया। सारा जगत पर की संभाल में इतना व्यस्त नजर आता है कि मैं कौन हूं ये सोचने समझने की उसे फुर्सत ही नहीं है। पर की खोज में, पर की तलाश में सबको खोजता रहता है, सबको तलाशता रहता है, सबको ढूंढता रहता है, सारे जगत में ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, इसकी तलाश, उसकी तलाश,
मार्केट में जाएगा, सब चीज़ें देखेगा, न्यूज़पेपर में तलाशेगा, मैगजीन्स में तलाशेगा, शास्त्रों में भी नमालूम क्या क्या तलाशता रहता है, ये कह रहे हैं। लेकिन मैं कौन हूँ ये विचार करने की फुर्सत ही नहीं है। मैं शरीर मन वाणी, देखना मार्मिक बात कह रहे हैं, मैं शरीर मन वाणी और मोहराग द्वेश यहाँ तक कि क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भी भिन्न एक त्रैकालिक शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। मैं आत्मा हूँ भैया, मैं अनादि अनंत एक आत्मा हूँ, क्षण ध्वंसी पर्यायों से पार हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं वाणी नहीं हूँ, आत्मा में वचन नहीं है, आत्मा वचनातीत है, मेरा स्वरूप विकल्पातीत है। मन में उठने वाली विकल्प तरंगें भी मेरा स्वरूप नहीं है, क्षयोपशम जनित क्षण स्थायी पर्याय भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं नहीं हूँ। पहचानो अपने आप को, कौन हूँ मैं? कभी कहता है अपने अंतर आत्मा की आवाज़ तो सुनो, अंदर की आवाज़ सुनो, अंदर से आवाज़ निकल रही है, आप अपने अंदर की आवाज़ सुनो। हम कह रहे हैं भाई साहब आवाज़ तो वाणी है, आवाज़ तो भाषा है, आवाज़ तो भाषा वर्गणा के परमाणु है, आवाज़ शब्द तो पुद्गल है और मैं चेतन हूँ, इसका मतलब भाषा वाणी पुद्गल और मैं चेतन, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मैं पुद्गल नहीं हो सकता, मैं वाणी नहीं हो सकता, मैं वाणी से भी परे कोई तत्व हूँ। सोचो जरा गहराई से विचार करो। कभी अंदर से आवाज़ सुनने की बात करता है और कभी कहता है साहब उनके शब्द तो बिल्कुल अंदर तक जाते हैं, कोई शब्द अंदर से निकलते हैं ऐसी बात कर रहा है, और कोई शब्द अंदर तक जाते हैं ऐसी बात करता है। कोई कहता है कि गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का नहीं भरता। क्या ये जो बोली के घाव हैं, ये शब्द अंदर तक चोट करते हैं साहब जब ये बोलते हैं। कहाँ अंदर भैया? आत्मा में। आत्मा माने मैं शब्दों से परे हूँ, मैं वाणी से परे एक तत्व हूँ, शरीर मन वाणी से भिन्न एक तत्व हूँ, क्षण स्थायी परलक्षी बुद्धि से भी भिन्न हूँ, त्रिकाल हूँ, अजर अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरा नाश भी नहीं होगा। अवस्थाएँ बदलती है, शरीर के संयोग बदलते हैं, संयोग बदलते रहते हैं, लेकिन बदलते हुए संयोगों में भी नहीं बदलने वाला एक तत्व इस देह रूपी देवालय में विराजमान है, वो मैं हूँ। मैं बंगाली हूँ, मैं मद्रासी हूँ, देखो आगे क्या कह रहे हैं। मैं बंगाली हूँ, मैं मद्रासी हूँ और मैं पंजाबी हूँ। इस प्रांतीयता के घटाटोप में आदमी ये भूल जाता है कि मैं भारतीय हूँ। मैं राजस्थानी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, क्या भूल जाता है। मैं अमेरिकन हूँ, ये कैसे कैसे इसमें भूल जाता है। अभी तो यहाँ के प्रांतीयता की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं मैं भारतीय हूँ, और प्रांतीयता की सघन अनुभूति से भारतीय राष्ट्रीयता खंडित होने लगती है। उसी प्रकार मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, आदि में आत्मबुद्धि के बादलों के बीच आत्मा तिरोहित सा हो गया है, हो जाता है। आत्मा छिप गया, तिरोहित हो जाना माने छिप जाना, छिप गया। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, अरे राम श्याम नहीं, कभी हाथी बन के कभी बिल्ली बन के, कभी गाय बना, कभी चींटी बना, कभी मच्छर मक्खी बना, कहाँ कहाँ कितने चेहरे बदले हमने, कितने स्वरूप बदले हमने, असली स्वरूप को ही भूल गया। इतने शीशे देखे मैंने, असली चेहरा भूल गया। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया। और इतने चेहरे बदले मैंने, इतने मुखौटे बदले मैंने, असली चेहरा कभी त्रियंश में चला गया, कभी देव में चला गया, कभी नारकी हो गया, कभी दो इंद्री हो गया, कभी पंचेंद्री हो गया, कभी कहने लगा कि मैं तो पंचेंद्री हूँ, मैं तो सैनी पंचेंद्री हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ। अरे तेरी मनुष्यता शाश्वत नहीं है, ये मनुष्य तो मनुष्य नाम कर्म के उदय से
मिली हुई संयोग रूप आसमान जाति द्रव्य पर्याय का नाम है। ये आसमान जाति द्रव्य पर्याय है जो मनुष्य नाम से संबोधित की जाती है। कभी कहता है मैं तो डॉक्टर हूँ, कभी कहता है मैं PhD हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं संजीव गोधा हूँ। क्या हो गया है तुझे, किस गलत फहमी में है कि साहब ये नाम तो मैं हूं ना, क्योंकि ये नाम तो बचपन में भी था, ये नाम तो युवावस्था में भी था, ये नाम तो वृद्धावस्था में भी रहेगा। तो यदि मैं अपने आप को संजीव गोधा कहूं तो क्या ऐतराज है? संजीव गोधा बालक का नाम तो नहीं है, युवा का नाम भी नहीं है, वृद्ध का नाम भी नहीं है, अब तो ठीक है ना? कि नहीं भाई, क्या ये नाम तो जन्म के बहुत बाद में रखा गया है। क्या मैंने 2 महीने बाद रखा गया था नामकरण संस्कार? मैं तो उसके पहले भी था। अरे और पुरानी बात भी कर सकते हो, जन्म से ही यदि नाम, आजकल तो जन्म से ही रख दिए जाते हैं ना, क्या तो गर्भ अवस्था में 9 महीने भी तो मैं था, उस समय तो नाम नहीं था, बोलो तब भी तो था मैं। यहाँ तो बात अनादि अनंतता की चल रही है, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि पिछले जन्मों में भी मैं था, भविष्य में भी मैं रहूँगा। जैसे आज के राष्ट्रीय नेताओं की पुकार है कि देश प्रेमी बंधुओं, आप लोग मद्रासी और बंगाली होने के पहले भारतीय हैं, यह क्यों भूल जाते हैं? उसी प्रकार मेरा कहना है कि मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ के कोलाहल में मैं आत्मा हूँ, इसको हम क्यों भूल जाते हैं? आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ? आपके दिलो दिमाग से ये बात क्यों निकल जाती है कि मैं आत्मा हूँ? अपने आप को चेतन क्यों नहीं समझते, अपने आप को आत्मा क्यों नहीं समझते? जैसे भारतीय भारत देश की अखंडता अक्षुण्यता रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय में मैं भारतीय हूँ यह अनुभूति प्रबल होनी चाहिए। भारतीय एकता के लिए उक्त अनुभूति ही एकमात्र सच्चा उपाय है एकता के लिए। उसी प्रकार मैं कौन हूँ का सही उत्तर पाने के लिए मैं आत्मा हूँ कि अनुभूति प्रबल हो यह अति आवश्यक। मैं आत्मा हूँ यही अनुभूति होनी चाहिए। हाँ तो स्त्री पुत्र मकान रुपया पैसा यहाँ तक कि शरीर से भी भिन्न मैं तो एक चेतन तत्वात्मा हूँ। रुपये पैसे से भिन्न ये आने जाने वाली चीज़ें हैं साहब, और मैं तो बना रहने वाला हूँ। अच्छा धन मैं नहीं, आपको तो ऐसा लगता है मैं ख़त्म हो गया, धन चला गया ना तो कहीं बहुत नुकसान हो गया, ख़त्म हो गया मैं तो कहाँ कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ चला गया साहब, सब खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा। ये कैसी बातें करने लगता है, सब कुछ खत्म हो गया कुछ नहीं बचा। आप धन छोड़ करके यहाँ आए हैं तो आप अलग हैं और धन अलग है, आप अलग हैं और मकान अलग है, ये बात तो स्पष्ट ख्याल में आती है ना? धन और मकान की बात तो स्पष्ट ख्याल में आती है ना कि ये अलग ही हैं, मेरे से स्पष्ट भिन्न दिखाई दे रहे हैं, मैं उन्हें छोड़ करके यहाँ आ गया हूँ। धन आदि को मकान आदि को छोड़ करके तीर्थ वंदना पर चले जाते हैं, माने भिन्न है, ये बात स्पष्ट ख्याल में आती है। देखिए आत्मा में उठने वाले मोह राग द्वेष भाव भी क्षण स्थायी हैं, विकारी भाव होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते, तथा परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है। परलक्षी ज्ञान, क्षणिक ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान, इससे भी आत्मा की पहचान नहीं होती, इससे भी पूरा आत्मा पकड़ में नहीं आता, यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकती। बोलो मतिश्रुत ज्ञान में नहीं हो सकता, क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान अनादि से तो है लेकिन अनंत काल तक नहीं रह सकते। तो केवल ज्ञान तो मैं हो सकता हूँ क्योंकि वो तो अनंत काल तक रहेगा, कि नहीं केवल ज्ञान सादी अनंत है लेकिन अनादि काल से नहीं है। मतिश्रुत ज्ञान अनादि से है लेकिन अनंत नहीं है, केवल ज्ञान अनंत है लेकिन अनादि नहीं है, और मैं अनादि अनंत हूँ। इसलिए न तो मैं मतिश्रुत ज्ञान हूँ न मैं केवल ज्ञान हूँ। आत्मा तो एक द्रव्य है,
और यह तो आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित एक पर्याय मात्र है। आत्मा तो द्रव्य है और ये तो पर्याय है, केवल ज्ञान तो ज्ञान गुण की एक पर्याय मात्र है। मैं का वाच्यार्थ आत्मा तो अनादि अनंत अविनाशी त्रैकालिक तत्व है। जब तक उस ज्ञान स्वभावी अविनाशी ध्रुव तत्व में अहम बुद्धि नहीं आती तब तक मैं कौन हूँ यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहेगा। उसमें आत्मबुद्धि आनी चाहिए, उसमें मैंपना आना चाहिए, उसमें अपनापन होना चाहिए। अपने में अपनापन, क्या अपने में अपनापन करके मैं अपने में चला गया और पर में अपनापन करके मैं अपने से छला गया। मैं के द्वारा जिस आत्मा का कथन किया जाता है वह आत्मा अंतरोन्मुखी दृष्टि का विषय, ये चरम चक्षुओं का विषय नहीं है। आत्मा मैं के माध्यम से जिस आत्मा की बात बतलाई जा रही है वो आत्मा इन चरम चक्षुओं का विषय नहीं है, वो तो अनुभव गम्य है, वो अंतरोन्मुखी दृष्टि का विषय है। बहिर्लक्षी दौड़ धूप से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वह स्वसंवेद्य तत्व है, अतः उसे मानसिक विकल्पों में भी नहीं बांधा जा सकता है, उसे इंद्रियों द्वारा भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंद्रियां तो मात्र स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द की ग्राहक है। अतः वे तो केवल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले जड़ तत्व को ही जानने में निमित्त मात्र है, जड़ तत्व को जानने में निमित्त मात्र है। वे इंद्रियां अरस अरूपी आत्मा को जानने में एक तरह से निमित्त भी नहीं हो सकती, पर को जानती है भाई, आंख से पुद्गल दिखेगा, कान से शब्द सुनाई देंगे, स्पर्शन से सिर्फ शब्द दिखेंगे, स्पर्शन से ये इस पर हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा गर्म ठंडा गर्म ये दिखेगा। माने ये इंद्रियां पर को जानने में निमित्त बन सकती है, आत्मा को जानने में इंद्रियों का कोई योगदान नहीं है। यह अनुभव गम्य आत्म वस्तु ज्ञान का घनपिंड है। देखो भाई, अपने स्वरूप को बतला रहे हैं, शांत चित्त होकर के विचार करने के लिए कह रहे हैं, क्या विचार करना। यह अनुभव गम्य आत्मा, अनुभव से पकड़ में आने योग्य आत्मा ज्ञान का घनपिंड है, आनंद का रस कंद है, शक्तियों का संग्रहालय है, स्वयं प्रभु है, स्वयं परमात्मा है, अनादि अनंत है, ध्रुव है, अविनाशी है, अजर अमर है, नित्य है, निरंजन है, समस्त कर्मों से रहित है, शरीर मन वाणी से रहित है, ऐसा अविनाशी परम पदार्थ परम पारिणामिक भाव स्वरूप ज्ञायक भाव कारण परमात्मा देह देवालय में विराजमान एक तत्व जो पारिणामिक भाव स्वरूप ज्ञायक भाव स्वरूप अंदर देवालय में विराजमान है वो मैं हूँ, उसे पहचानना पड़ेगा। हमारे रूप रस गंध और स्पर्श मोह राग द्वेष आदि सर्व परभावों से भिन्न सर्वांग परिपूर्ण शुद्ध हूँ। समस्त परभावों से भिन्नता और ज्ञानादिमय भावों से अभिन्नता ही इसकी शुद्धता है, यह एक है। अनंत गुणों की अखंडता ही इसकी एकता है। ऐसा यह आत्मा मात्र आत्मा है और कुछ नहीं, यानी मैं ही हूँ और कुछ नहीं, मैं ही हूँ और अपने में ही सब कुछ हूँ। पर को देने लायक मुझ में कुछ नहीं है तथा अपने में परिपूर्ण होने से पर के सहयोग की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। क्या गजब बात कह रहे हैं, कितनी स्वावलंबन की बात यहाँ इन्होंने प्रस्तुत कर दी है। मैं पर को कुछ दे सकूं ऐसा मुझ में कुछ नहीं है और मुझे पर की कुछ आवश्यकता हो ऐसा भी कुछ नहीं। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, जरूरत नहीं है पर की रंच मात्र भी। ये कैसा तत्व है जो मैं शब्द का वाच्य है, पकड़ में आता है। ऐसा मैं ख्याल में आता है। एक बार हृदय की गहराई से यदि हम वहां जाने का प्रयास करेंगे, आँख बंद करके यदि हम अंदर तक जाने का प्रयास करेंगे, आपके चिंतन विकल्प वाद विलास से भी परे वो अनुभव गम्य आत्मा पकड़ में आएगा। और एक बार अपने आप के स्वरूप को समझ लिया तो अनादिकालीन दुखों का अंत होने में क्षण मात्र भी नहीं लगेगा। जैसे रात्रि भर का अंधकार सूर्य की किरण पड़ने मात्र से दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने स्वरूप को जानने मात्र से, अपने स्वरूप के अवलंबन और लक्ष्य मात्र से
अनादिकालीन मिथ्यात्व, अनादिकालीन मिथ्यात्व अंधकार, अनादिकाल से परंपरा से चले आ रहे चतुर्गति के दुख, ये नष्ट हो जाते हैं, ये दूर हो जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। अतः अंतिम अंतिम पैराग्राफ, सेकंड लास्ट है, यह आत्मा वाग विलास और शब्द जाल से परे है। कैसा है ये आत्मा, इधर सुनो क्या कह रहे हैं। ये आत्मा, ये इसकी फोटो नहीं खींचती आत्मा की, क्या मेरी फोटो खींच सके ऐसा स्वरूप नहीं, मेरी पिक्चर बन सके ऐसा मेरा स्वरूप नहीं है। ये आत्मा वाग विलास और शब्द जाल से परे है। देखो कैसे शरीर की अनुभूति होती है ना, मैं ही शरीर हूं, तो फोटो खींचते समय कितने अलर्ट हो जाते। अरे कर्मों के माध्यम से खींच रही है प्रति समय फोटो, हर समय कर्म बन रहे हैं, जब उन कर्मों का फल मिलेगा तो आंख से आंसू बहेंगे, तब रोएगा, अभी तो हंसते हंसते कर्म बांध रहा है। ये कह रहे हैं वाग विलास से परे है मेरा स्वरूप, शब्द जाल से परे है, वचन जाल में लेत न फांसी, शब्दों से पकड़ा नहीं जा सकता है, मात्र अनुभूति गम्य, अनुभूति गम्य, अनुभव करो, फील करो बस अपने स्वरूप को, फील करने में आए। आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है, ये फर्स्ट स्टेप है। थोड़ा मल देखो तत्व विचार की महिमा, ये पहला स्टेप है। आत्मानुभूति चाहिए ना, आत्मानुभूति करनी है ना, अपने आप को जानना पहचानना है ना, फर्स्ट स्टेप क्या है, तत्व विचार है। पर वह आत्मानुभूति आत्म तत्व संबंधी विकल्प का भी अभाव करके प्रकट होने वाली स्थिति है। माने आत्म तत्व का विचार और विकल्प चलते रहे ये मार्ग है, लेकिन ये विचार और विकल्प भी जिस क्षण रुकेंगे तब आत्मा की अनुभूति होती है। मैं कौन हूँ यह जानने की वस्तु है, यह अनुभूति द्वारा प्राप्त होने वाला समाधान है, ये जानने की वस्तु है, यह अनुभूति द्वारा समाधान मिले ऐसी वस्तु है, यह वाणी द्वारा व्यक्त करने और लेखनी द्वारा लिखने की वस्तु नहीं है। आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये वाणी द्वारा व्यक्त करने की वस्तु नहीं है, ये लेखनी द्वारा लिख देने की वस्तु नहीं है, ये तो अनुभव गम्य है, ये तो ज्ञान गम्य है। वाणी और लेखनी की इस संदर्भ में मात्र इतनी ही उपयोगिता है कि ये उसकी ओर संकेत कर सकती है, ये दिशा इंगित कर सकती है, दशा नहीं ला सकती है। वाणी से जो हमने चर्चा की है, शब्दों से जो चर्चा की है, इन शब्दों की उपयोगिता तो इतनी मात्र समझनी चाहिए कि हमें यह सोचने पर कुछ मजबूर किया है इन शब्दों ने, इस आलेख ने, इस निबंध ने, कि आखिर मैं हूँ कौन। अब तक मैं जो अपने आप के बारे में समझ रहा था, निश्चित रूप से मैं वो नहीं हूँ, और जो बातें शब्दों के माध्यम से कही गई, जिसे अनादि अनंत कहकर के पुकारा गया, जिसे विकल्पातीत कहकर के पुकारा गया, जिसे अनंत गुण संपन्न कहकर के पुकारा गया, जिसे यह कहकर के पुकारा गया कि जो अजर अमर है, जो अविनाशी है, जो शक्तियों का संग्रहालय है, जो गुणों का गोडाउन है, ये शब्द जिस आत्मा के लिए प्रयोग किए गए, ये शब्द शब्दों तक न रहे, ये शब्द, इन शब्दों के माध्यम से वो वस्तु पकड़कर वो हमारे अनुभूति का विषय बने, तो ही सच्चा समाधान मिल पाएगा, तो ही सही जवाब मिलेगा। ये असली जवाब तो अनुभूति में आता है, शब्दों में नहीं आता। इसलिए मैं कौन हूँ, शांत चित्त होकर हम यदि ऐसा अनुभव करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसका जवाब मिलेगा। और ये जवाब एक बार यदि हमारे को मिल जाएगा तो अनंत संसार के दुखों का अंत आ जाएगा, अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएंगे, हम सभी के समस्त दुखों का अंत हो, और शीघ्रातिशीघ्र शास्त्र का अनुसरण करते हुए मैं कौन हूँ इसका असली जवाब अनुभूति पूर्वक हमारे जीवन में प्रकट हो, इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। आइए सर।